हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराएंगे और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है, 992, 733, 845 एवं 632 के सादृश्य संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों, क्या पूछा है कि 992 और 733, 845, 632 के समान कौन सी संख्या है, इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए 992 में क्या किया है, देखिए 992 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्या क्या है, नौ में इस दो से गुणा कर दिया है, तो कितना हो गया है, 9 दुना के 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18, तो 18 हो गया ना। देखिए दोस्तों, अब एक और आठ के बीच में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। देखिए दोस्तों, बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। हमने क्या किया, 9 और 2 में गुणा किया, ठीक है, तो 18 आ गया, ठीक है। और इनके बीच प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 9, बीच वाली संख्या आ गई, ठीक है। इस प्रकार अब हम 733 को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 733, ठीक है। में क्या करेंगे, इस 7 में इस 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21। अब 21 के बीच में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। अब उसी प्रकार 845 को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 4 5, ठीक है, 845 हो गया। अब क्या करेंगे, 8 × 5, देखिए दोस्तों, इस 8 में इस 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। अब इनके बीच प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। हमने क्या किया कि 8 और 5 में गुना किया तो कितना आ गया, 40, और इनके बीच प्लस कर दिया तो 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 632 को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 3 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 में 200, इस 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इनके बीच प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3। देखिए दोस्तों, सबके बीच की संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जिस ऑप्शन में बीच वाली संख्या आ जाएगी वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, 114। देखिए दोस्तों, 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बी वाले को याद करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या दिया, 326, 326 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 18, और 18 होगा तो इनके बीच प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इनके बीच में क्या दिया है, 2 दिया है, यानी कि ए भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 425, 425 में क्या करेंगे, इस 4 में इस 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब इनके बीच प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, 363, 489, 579 के समरूप कौन सी संख्या है। देखिए दोस्तों, क्या कहा है कि इनके समान इनमें से कौन सी संख्या है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले किसे, 363 को सॉल्व करते हैं। तो 363 को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 कर लेते हैं प्लस 6 कर लेते हैं प्लस 3 कर लेते हैं। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 3 9 होगा, और 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 आ गया। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे कि इनके बीच 1 + 2 क्या करें, 12 के बीच में हमने क्या कर दिया, प्लस, तो क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए दोस्तों, 3 आ गया, ठीक है। अब 489 को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या कर लेंगे, 4 + 8 + 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 8 और 4 कितना होता है, 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इनके बीच प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1
बराबर कितना हो जाएगा, 3। देखिए दोस्तों इसमें भी 3 आ गया। देखिए पहले में भी 3 आया, दूसरे में 3 आया, अब तीसरे को ज्ञात करते हैं कितना दिया है, 579। तो क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 9 बराबर कितना होगा, देखिए 7 5 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और 12 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21। अब इसके बीच में प्लस करेंगे 21 के तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये तीनों संख्याएं समान है, ठीक है, ये तीनों संख्याएं समान आई हैं, ठीक है। अब कौन सा इनमें से ऑप्शन सही होगा, देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 562। कितना दिया है, 562। तो क्या कर लेंगे, 5 + 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनके बीच प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4 हो जाएगा। तो हमें लाना क्या है, 3 लाना है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में 3 आया है, ठीक है, क्या आया, 3 आया है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 471। तो क्या हो जाएगा, 4 + 7 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12, ठीक, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इनके बीच प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनके समान ये संख्या है 471। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, 3 7 15, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसके समान कौन सी संख्या है, इसी को हमें सॉल्व करना है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या किया है, 3 7 15 में, देखिए 3 में क्या किया है, 3 में 4 जोड़ दिया है तो 7 आ गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 3 में 4 जोड़ा तो 7 हो गया, अब क्या करेंगे कि 7 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, 7 में 4 और गुने 2 कर लेंगे, ठीक है, गुने 2 कर लेंगे, 7 में 4 और गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 7 + 8 हो जाएगा ना, 4 × 8 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ गया, 15। देखिए दोस्तों पहले क्या किया, 3 में 4 जोड़ा तो 7 हो गया, फिर 7 में प्लस 4 × 2 किया तो 15 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इन ऑप्शनों को सॉल्व करते हैं तो जो ऑप्शन इनके समान होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 में क्या करेंगे, 4, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे और गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 6 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 8 18 दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 4 8 18 दिया है। तो क्या करेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 में, ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 में प्लस 4 × 2 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा और प्लस 8 तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 9 तो आ गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 में प्लस 4 करेंगे, ठीक है, और गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, इनके समान दिया है, 3 7 15 के समान दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, घसीट मारना का संबंध लिखना से है तो हकलाना का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों क्या क्या है, घसीट मारना का संबंध लिखना से किस प्रकार हुआ है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार घसीट मारना का संबंध लिखना से हुआ है, ठीक है, तो उसी प्रकार हकलाना का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए दोस्तों बोलना से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आदमी हकला के बोलता है, ठीक है, तो हकलाना का संबंध किससे हो जाएगा, बोलना से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोलना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बोलना भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांचवा में क्या दिया है, ई ए आर एन का संबंध एन ई ए आर से है तो आर डबल ई एफ का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ई ए आर एन का संबंध एन ई ए आर से होगा, ठीक है, उसी प्रकार आर डबल ई एफ का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान में किसी संख्या से होगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ई ए आर एन का क्या करेंगे कि एन ई ए आर से संबंध हो जाए, तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ई ए आर एन क्या करेंगे, इसे एक दो तीन चार, ठीक है, क्या कर लेंगे, एक दो तीन चार, देखिए एक दो तीन चार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए यन यन ई ए आर है, ठीक है, तो यन देखिए दोस्तों चार नंबर पे है तो चार लिख लेंगे, फिर ई किस नंबर पे है, एक, देखिए दोस्तों इसमें एक नंबर पे तो एक लिख के लेंगे, ठीक है, फिर ए ए हमारा दो नंबर पे है दो लिख लेंगे और यार हमारा तीन नंबर पे है तो यहाँ पर तीन लिख लेंगे। ठीक है, इसे क्या किया है, पहले चार वाले लिखा है, ठीक है, फिर एक वाले के लिखा है, उसके बाद दो वाले के लिखा है, उसके बाद तीन वाले के लिखा है, यानी कि इसका संबंध इस प्रकार था। ठीक है, किस प्रकार, पहले क्या था, चार वाले के लिखा, फिर एक वाले के, फिर दो वाले के, फिर तीन वाले के। ठीक है, क्या किया, पहले लास्ट वाली संख्या, फिर पहले वाली संख्या, फिर दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों आर डबल ई एफ, आर डबल ई एफ क्या कर लेंगे, एक दो तीन चार, तो क्या किया था उसमें, पहले चार वाली संख्या लिखा तो एफ लिखा था, ठीक है, एफ हो जाएगा, उसके बाद पहली संख्या लिखा था तो पहली संख्या आर हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद दूसरी तीसरी, तो क्या हो जाएगा, डबल ई, दूसरी तीसरी में डबल ई दिया है, तो क्या हो जाएगा, फ्री, यानी कि फ्री ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, एफ आर डबल ई भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही।